हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाई अंजना। चौको लावा केक, जिसका नाम सुनते बच्चे क्या बड़े भी इसके फैन हो जाते हैं, है ना बहुत ज़्यादा चॉकलेटी। बिल्कुल ऐसे ही चौको लावा केक आप भी घर पे बना लेंगे, और इसको बनाने के लिए आपको कोई अवन नहीं चाहिए, कोई अंडा नहीं चाहिए, नो फेल रेसिपी है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसको आसानी से बना लेंगे, क्योंकि मैंने हर एक टिप्स शेयर किया है कि किस तरीके से परफेक्ट चौको लावा केक घर ही पे बन जाएगा, वो भी डोमिनोज जैसा। तो अगर कोई पार्टी हो या फिर आपको किसी को ट्रीट देना हो या इवनिंग स्नैक्स पे, आप इसे बनाइए और इन्जॉय करिए। बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, ना बाहर से मंगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कम सामान से इतना टेस्टी चौको लावा केक आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोस के ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यहाँ देखिए, इसे बनाने के लिए एक बोल लिया है मैंने, और बोल में हम ले लेंगे डार्क चॉकलेट। वजन से बोलूँ तो ये 1/4 कप डार्क चॉकलेट है। अब क्या करना है ना, इसे हम मेल्ट करेंगे। अब मेल्ट क्यों करेंगे, मेल्ट इसको पूरा मेल्ट नहीं करना, हल्का से मेल्ट करना है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर बिना मेल्ट किए डालते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है, मेरे चॉकलेट लावा केक में टुकड़े रह जाते हैं, तो वो टुकड़े अच्छे नहीं लगते खाने में, मेल्ट ही नहीं होता वो केक बनाते टाइम। तो इसलिए अगर हम हल्का से इसको स्लाइटली मेल्ट कर देंगे ना, तो एकदम लावा बन के निकलेगा। तो बस हल्का सा मैं इसको माइक्रोवेव कर लूँगी 1 मिनट तक, और ये देखिए 1 मिनट माइक्रोवेव किया, और ये देखिए पूरा मेल्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा देखिए सॉलिड फॉर्म में ही है, बस ऐसे ही चाहिए हमें। तो ये देखिए इसे हमने तैयार कर लिया है, ये प्रोसेस आप याद रखें, परफेक्ट बनेगा आपका केक। अब देखिए इस तरीके का जो है लावा वाला मोल्ड है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अगर लावा वाला मोल्ड नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, घर में देखिए पीछे मैंने कटोरे रखे हुए हैं, तो इस तरह के कटोरे में भी आप बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो ये बहाना मत ढूंढिएगा कि ये मोल्ड नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, कटोरे में भी बन जाएगा। इसको देखिए ग्रीस कर लिया ऑयल से, तब क्या करेंगे ना, यहाँ देखिए कोको पाउडर से इसे डस्ट कर लेंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे, और इसी तरीके से मैंने सारे कटोरों और मोल्ड में डस्ट कर लिया है। तो ये काम हम सबसे पहले कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही बैटर बनाएंगे तो उसको बेकिंग में डालना होगा, तो इसलिए हम ये काम बाद में नहीं करेंगे, ये सब काम आपको पहले कर लेना है। साथ में कढ़ाई को प्री हीट के लिए भी छोड़ दीजिएगा नमक डालकर। अब देखिए एक दूसरे बोल में क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। अब 1 कप मैदा में जाएगा यहाँ पे 1/4 यानी 1/4 कप कोको पाउडर। अब उसके बाद जाएगा यहाँ पे 1/2 कप यानी 1/2 कप पिसी हुई चीनी का पाउडर। उसके बाद जाएगा यहाँ पे 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा, 1/2 teaspoon जाएगा बेकिंग पाउडर, और हाथ से लेंगे चुटकी भर नमक, बस उससे ज़्यादा नहीं, चुटकी भर नमक ले लिया। इसे छान लेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे, क्योंकि टुकड़े हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो इसे छान लिया है। अब 1 teaspoon जाएगा यहाँ पे वनीला एसेंस, और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 cup मेल्टेड बटर या फिर रिफाइंड ऑयल जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, और उसके बाद जाएगा 1/2 cup दूध। अब दूध डालकर अब क्या करने वाले हैं, इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान देना है, ये टिप को आपको ध्यान देना है कि एक ही डायरेक्शन में बैटर को घुमाएं। अब ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अभी भी मुझे गाढ़ा लग रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ा है, तो अब थोड़ा सा मैंने 2 tablespoon के करीब दूध और ऐड किया, फिर मिक्स कर रही हूँ, और फिर 2 tablespoon और मिला के 1/2 cup दूध मैंने और ऐड कर दिया इसमें, और ये देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसा, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो चलिए इसे जल्दी से जो है हम अपने मोल्ड में डाल लेते हैं। अब मोल्ड में पहले देखिए थोड़ा सा जो है मैंने 2 tablespoon के करीब भरा बैटर, और फिर ये हमारा मेल्टेड जो है डार्क चॉकलेट, मतलब बहुत मेल्टेड नहीं है, पार्शियली मेल्टेड है ये, ऊपर से थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। आपको ध्यान देना है मोल्ड को पूरा नहीं भरना है, नहीं तो फूल के क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। कढ़ाई को मैंने पहले ही बताया कि मैंने प्री हीट के लिए 10 मिनट छोड़ दिया था नमक डालकर, तो मैं दिखा रही हूँ उसके क्या किया है ना, नमक रखा है नीचे बेस में, और फिर एक थाली रखा है, थाली पे हम अपने सारे कटोरे रख देंगे। अगर अवन है तो अवन में भी आप बेक कर सकते हैं, अभी मैं एगलेस और नो ओवन मेथड बता रही हूँ। अवन में बेक करने के लिए प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट तक बेक करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे, और अब कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसको 20 से 30 मिनट तक लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे, लो फ्लेम पर आपको ध्यान देना है 20 से 30 मिनट तक। अब ढक कर इसे हम कुक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, आपके पास अवन है तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर कढ़ाई में बना लीजिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए यहाँ पे मैंने 25 मिनट बाद आके चेक किया, तो ये देखिए अच्छी तरीके से केक फूल चुका है। टूथपिक डालकर साइड में चेक कर लेते हैं, क्योंकि बीच में तो लावा है, तो ये देखिए साइड से अच्छी तरीके से ये क्लियर है टूथपिक, तो बस इसे निकाल लेते हैं।
अभी हल्का सा जो है, हल्का सा ठंडा हुआ तब मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग। ऊपर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पिसी हुई चीनी का पाउडर इस पर ये देखिए स्प्रिंकल कर देंगे, जैसे हमें मिलता है मार्केट में। और उसके बाद देखिए ये हमारा बहुत ही बेहतरीन चोकोलावा तैयार है। डेकोरेशन के लिए आप चाहें तो यहाँ पे चेरी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है देखने में, प्रेजेंटेबल लगने लगता है और लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया है। आइए जल्दी से कट करके दिखाती हूँ। तो पहले ये देखिए चाकू लगाने से आप देखिए इसका स्पॉन्जनेस बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, अंदर लावा से भरा हुआ। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट, अंदर पूरा चॉकलेटी चॉकलेटी है, इतना अमेजिंग लगेगा। ठंड के लिए तो बेस्ट ट्रीट है ये हॉट चॉकोलावा केक, बिलीव मी ये रेसिपी ट्राई करना बनता है। तो आपने देख लिया ना, मैंने इसको बनाने के लिए हर एक टिप्स बता दिया है ताकि आप आराम से बिना ओवन बिना अंडा के टेस्टी एगलेस हॉट चॉकोलावा केक बना सकते हैं। अभी तो बहुत सारे सेलिब्रेशंस के मौके आने वाले हैं, तो इसको बनाकर सभी को कर दीजिए इम्प्रेस। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे बहुत लोगों के साथ शेयर करें। और मज़ेदार वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।